सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त सफर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं किस तरह से एक इवनिंग गोल्डन इफेक्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे आशीष भाई ने बनाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन को रोटेट कर लेना ताकि आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएँ। फुल स्क्रीन मोड पे रखिए। इसके बाद आपको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ईजिली अवेलेबल है वहाँ पर। आपको कुछ इस तरह के पोज में एक फोटो क्लिक करा लेनी है अच्छी सनलाइट्स में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए ऊपर में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद इम्पोर्ट फोटो में जाकर एक बैकग्राउंड ले लीजिए। बैकग्राउंड और सारे स्टॉक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैंने क्या किया है कि बैकग्राउंड को अच्छे से सेट कर लिया। इसके बाद बैकग्राउंड में क्या है, एक इमेज है मतलब एक पर्सन है, उसको इरेज करना है। तो आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ टूल में जाइए और हीलिंग पे जाइए। आपको क्या करना है, इस पूरे पर्सन को अच्छे से सेलेक्ट करना है, जिससे ये क्या होगा कि ये हील होगा, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर ये रिमूव हो गया। इसके शेडोज़ को भी मैंने थोड़ा इरेज कर दिया। इसके बाद आपको टूल में जाना है और यहाँ से लेंस ब्लर ले लेना है। लेंस ब्लर लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक फील्ड लेना है जहाँ पर नीचे का पोर्शन जो ब्लर नहीं होगा, सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर होगा, राइट। अब आपको ऑटोडेस्क में वापस आना है और इस इमेज को रिप्लेस कर देना है। जो पहले वाली इमेज है उसको रिप्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये वाला हिस्सा डार्क है और लेफ्ट वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर इसको फ्लिप कर लेना है एडिट में जाकर। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर डार्क आएगा और राइट वाले हिस्से से ज़्यादा लाइट आ रही है, जो कि सेम टू सेम हमारे मॉडल के साथ भी है। अब आपको क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर ले लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पे कलर पिक कर लेना है। यानी कि यहाँ से ये कलर पिक करेंगे हम लोग एयर ब्रश लेकर, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पर शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों शेडो क्रिएशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी हुई है, पिछली वीडियो थी, आप ज़रूर से चेकआउट करें अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है, क्योंकि शेडो बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप अच्छे प्रैक्टिस के साथ इसको सीख सकते हैं। जहाँ पर आपको क्या करना है, लेयर वाइज लेयर आपको यहाँ पर शेडो क्रिएट करनी होगी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा फर्स्ट लेयर पे, कि मैं एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, लाइक जब भी आप शेडो बनाएं तो आपको सबसे पहले बेसिक जो भी शेडो हो उसको ध्यान में रखते हुए, उसके पोस्चर को ध्यान में रखते हुए एक ड्रॉ कर ले शेडो, राइट। अब इसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपको डाउन कर लेनी है और लेयर बाय लेयर आपको 4-5-6 भी लेयर लग सकते हैं, 10 लेयर भी लग सकते हैं और 2-3 लेयर भी लग सकते हैं, ये आपके इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी ओपेसिटी डाउन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एक और लेयर लिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर शेडो को ड्रॉ की जा रही है। तो यहाँ पर आशीष भाई ने बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ये स्टाइल सीखा है और आई होप आप लोग भी सीख जाएंगे, लेकिन आपको कीप प्रैक्टिसिंग रखना होगा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेडो तो क्रिएट हो चुका है लेकिन रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना होगा, फिर से इसका जो ब्लेंड मोड है इसको ओवरले करना है और यहाँ पर इसको पेंट करना है। जब आप ओवरले करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो शेडो है बिल्कुल बैकग्राउंड का जो टेक्सचर है, यानी ज़मीन का जो टेक्सचर है, उसके साथ मैच हो जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज है इसको जूम कीजिए, देखिए इसमें कलर कैसा है, राइट। और उसके बाद अपनी इमेज का कलर देखिए, दोनों को मैच कीजिए। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, कलर पिकर से यहाँ पे आपको कलर को पिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो इमेज है उसका ब्लेंडिंग मोड जो है स्क्रीन पे, सॉरी ओवरले करना है और यहाँ पर फिर से पेंट करना है। जब आप उसको पेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ज़मीन का टेक्स्चर है और जो आप शेडो क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल आपस में मैच होगा। तो आप हमेशा ओरिजिनल फोटो से क्या कीजिए, उसको रेफरेंस लीजिए कि वहाँ कैसा बना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इरेजर ले लेना है। इरेजर लेके आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा शेडोज़ हैं उसको इरेज करना है। इससे क्या होगा कि जो शेडो है उसमें सॉफ्टनेस भी ऐड होती है, क्योंकि शाम का जो वक्त होता है उसमें बहुत हार्ड शेडो नहीं बनती है, क्या होता है कि बहुत लाइट शेडो बनती है। और जो ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है, यानी ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा करीब होता है लाइट से, तब क्या होता है कि आपका जो शेडो बनता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और शार्प बनता है, लेकिन शाम के वक्त बहुत सैलो और सॉफ्ट सॉफ्ट सा शेडो बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐड करने के लिए आपको इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो देख सकते हैं आप, आशीष भाई काफ़ी अच्छे से यहाँ पर शेडो को ड्रॉ किया है। तो अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल से एक बार मैच कर लेना है, मैच करके चेक करना है कि ये कुछ इस तरह का टेक्सचर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो आपको क्या करना है कि ओरिजिनल फ़ोटो में देखिए वैसा ही टेक्सचर आ रहा है, राइट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और करेक्शन की ज़रूरत है। तो एक और एम्प्टी लेयर ले लीजिए और ये वाला जो कलर है इसको लेके आपको पिक कर लेना है और फिर से इसको बाद यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट करना होगा। तो ब्रश का साइज़ वगैरह सेट कर लें, बेसिकली यहाँ पर एयर ब्रश का ही यूज़ कीजिए, एयर ब्रश काफ़ी अच्छे से फ्लो होता है और अच्छे से आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट देता है। इसके बाद आप ओवरले में ज़्यादा यूज़ करें, ओवरले में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड का टेक्सचर के साथ मैच हो जाता है, राइट। तो अब देख सकते हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है हमारे शेडो की काम। अब इसके बाद हेयर वाला काम बचा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा कि जो हमारा मॉडल है देख लीजिए यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर ले लेना है। हेयर को किस तरह से डिज़ाइन करना है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, बेसिकली सारे वीडियोज़ में ही आप देख पाते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइनर ब्रश ले लीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है कलर पिक कर लीजिए अपने हेयर्स का और इसके बाद यहाँ पर जो इसके एजेस होते हैं हेयर का वहाँ पर आपको पेंट करना स्टार्ट करना होगा। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि आपके पास एक एम्प्टी खाली लेयर पे आप पेंट करें, ऐसा नहीं हो कि जो आपका फ़ोटो है उसी के ऊपर जब पेंट कर लेंगे तो आप जब इरेज करना जाएंगे तो आपका फ़ोटो के साथ जो आपने टेक्स्चर बनाया वो भी इरेज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप हमेशा एक एम्प्टी लेयर लेकर उसके ऊपर ही काम करें। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा हो गया। अब आपको क्या करना है, हमारा मेन जो इमेज है उसे ले लीजिए, यहाँ पर एक सॉफ्ट इरेजर लेके आपको क्या करना है हेयर वाले ही से इरेज कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा सा एक टेक्सचर यानी हेयर कटिंग का एक ऑप्शन आ गया आपके पास। तो आप जब भी हेयर कटिंग यूज़ करें तो कुछ इस तरह से ही यूज़ करें, ओके। जब आप फोटो में बैकग्राउंड वगैरह इरेज करें तो हेयर को पहले इरेज ना करें। अब आपको क्या करना है, डिज़ाइनर वाला ब्रश ले लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए जो बैकग्राउंड में हमारा वाइट कलर है उस वाइट कलर को पिक कर लें। इसके बाद हेयर का जो एजेस है वहाँ पर आपको पेंट करना स्टार्ट करना होगा, ओके। जिससे क्या होगा कि ऐसा फील होगा कि हमारे कुछ कुछ हेयर्स पे यानी पर्टिकुलर जो हेयर्स है वहाँ पर लाइट पड़ रही है, क्योंकि हमारे सारे हेयर्स के ऊपर तो नहीं पड़ती है, कुछ कुछ पर्टिकुलर हेयर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है ये लाइट। तो आपको यहाँ पर पेंट कर लेना है जिससे ऐसा फील आए कि हमारे बैकग्राउंड का जो लाइट है वो हमारे हेयर्स के ऊपर पड़ रही है। तो कुछ इस तरह से आपको पेंट कर लेना है। ये पेंट करने में बहुत वक्त लगा है, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि ये फटफट जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो का जो स्पीड है यहाँ पर ज़्यादा किया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से सीख पाएँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा हेयर में इफ़ेक्ट आ गया है। अब आपको मॉडल को क्या करना है, एक बार डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसका ब्लेंड मोड कर देना है मल्टीप्लाई पे, जिससे क्या होगा ये डार्क हो जाएगा और क्या होगा कि आपका जो मॉडल है बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड होगा। अब इसके बाद इसकी ओपेसिटी को डाउन कर लीजिए। डाउन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो इरेजर है उसको इरेजर ले लीजिए और हेयर्स के पास वाले हिस्से को आपको क्या करना है, हेयर नहीं शोल्डर के पास जहाँ जहाँ आपको लग रही है कि डॉज हो रहा है यानी लाइट ज़्यादा पड़ रही है, उस हिस्सों को आपको क्या करना है इरेज कर लेना है। आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख पा रहे हैं, राइट। अब इसके बाद आपको फिर से एक बार डुप्लीकेट करना है, सेम चीज़ करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई में करेंगे और इस बार क्या करेंगे दूर से इसको यहाँ पर इरेज करेंगे, यानी कि पूरे बॉडी के ऊपर भी अपर सरफेस जो है उसको इरेज कर लेंगे और जो नीचे का एरिया है उसको छोड़ देंगे वैसे ही, क्योंकि वहाँ पर हमें वैसे ही डार्क दिखाना है, राइट। तो आप देख सकते हैं, एक बार लेयर में ऑन करूँगा, लेयर में देख सकते हैं, राइट, आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से इसके बाद एक बार और इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, क्लिक कीजिए, देखिए LHS लाइट एडजस्टमेंट, इसके लाइटनेस को पूरा माइनस कर देंगे, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेयर को लॉक कर लेना है, बगल में लेयर दिख रहा होगा, और इसका ब्लेंड मोड है लीनियर डॉज पे रखें। ये काम तब हम लोग करते हैं जब हम लोग को रिम लाइट बनाना होता है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कलर पिक कर लीजिए, एक ऑरेंज कलर बैकग्राउंड से ही पिक कीजिए, थोड़ा सा ब्राइट कलर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे हम लोग बैकग्राउंड से मैच करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको एयर ब्रश ले लेना है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख के आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ डॉज हो रही है यानी कि वाइट लाइट पड़ रही है वहाँ पर आपको पेंट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी पे गोल्डन इफेक्ट आएगा, यानी कि ये जो शाम का वक्त है उस पे जो गोल्डन कलर का जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो वाइट कलर नहीं हो रहा है, एक्चुअली गोल्डन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर रिम लाइट बनानी है, यानी ये सॉफ्ट रिम लाइट बनानी है। हार्ड रिम लाइट भी बनाएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले इसके सॉफ्ट रिम लाइट को बना लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, गर्दन के पास पड़ेगी, कॉलर के पास पड़ेगी, चीक बोन्स, फेस, एयर और नोज़ के पास जो हिस्सा है जहाँ पर ये चमक रहा है उन सारे हिस्सों पर आपको डॉज करना है,
ओके, डॉज एंड बर्न का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिंपली यहाँ पर वही कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं लेकिन डॉज कर रहे हैं, क्योंकि बर्न वाली की यहाँ पर सिचुएशन है नहीं। ओके, बर्न किया है हम लोगों ने लिक के जो हिस्से है नीचे वाला, वो वाला हिस्सा भी हम लोगों ने बर्न कर लिया है। अब इसके बाद फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लेंगे मॉडल को, फिर से ब्लैक करेंगे। इसके बाद इसका ब्लेंड मोड जो है लीनियर डॉज फिर से रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर अब हार्ड रिम लाइट बनाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, कलर जो है यहाँ पर सबसे जो क्रिस्पी वाइट कलर पड़ेगा वो ले लेना है, और कलर जो है उसका येलो टोन में रखना है। यानी हमारा इसका जो कलर है थोड़ा सा शार्प होगा लेकिन येलो टोन में होगा। जब आप इसको पेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा ये पूरी तरह से बर्न हुआ पड़ा है और बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिम लाइट काफ़ी अच्छा से यहाँ पर शाइन कर रहा है। तो बॉडी के हिस्से पे यहाँ पर आपको पेंट कर लेना है, लेकिन जब भी आप इसको पेंट करें मेक श्योर कि इसके बाद आप एक सॉफ्ट रिम लाइट भी यहाँ पर ऐड करें। तो देखिए यहाँ पर एक हार्ड रिम लाइट तो ऐड हो रही है, कानों के पास ऐड होगी, चिक बोन्स के पास ऐड होगी। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके साइज़ को भी बड़ा करना है। बड़ा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें जो ऐड हो रही है सॉफ्ट रिम लाइट उसको भी ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया है आशीष भाई ने और यहाँ पर पेंट कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इफ़ेक्ट देख पाएंगे आप जब ये पेंट करेंगे, राइट। तो देखिए इसी तरह का कुछ इफ़ेक्ट आपको डालना है, इसको कहते हैं बर्न इफेक्ट। ओके, जब ये बर्न इफेक्ट आप ऐड करेंगे कानों के पास, चिक बोन्स के पास, तो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से हाइलाइटेड होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कपड़ों के पास भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये जो टेक्निक्स है ये सारे प्रो एडिटर लोगों के लिए, जो कि इन सारे टूल्स का यूज़ जानते हैं। अगर आप टूल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले बेसिक एडिटिंग कीजिए। मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस है जहाँ पर आप बेसिक एडिटिंग सीख सकते हैं, पिक्सार्ट है और लाइटरूम वगैरह है, इन सारी चीज़ों में आप बेसिक एडिटिंग सीख सकते हैं। जब आप इन सारे बेसिक एडिटिंग को जान जाएं तब आप इस तरह की प्रो एडिटिंग करें, वो अदरवाइज़ आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी अगर आपको प्रो लेवल की एडिटिंग के बारे में पता नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से प्रो एडिटिंग करते हैं तो आप पुरानी वीडियोस को ज़रूर से देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। इसके बाद ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा और आप यहाँ पर एडिटिंग कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपको हिंट्स की ही ज़रूरत है कि आपको कहाँ कहाँ पेंट करना है और किस तरह से शेडो और हाइलाइट्स के ऊपर आपको यहाँ पर खेलना है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्ट भी रिम लाइट ऐड हो रही है, हार्ड रिम लाइट भी ऐड हो रही है। बस सिचुएशन के हिसाब से कहाँ से लाइट आ रही है और बॉडी को किस साइड में रखना है और कहाँ पर डार्क टोन यूज़ करना है, कहाँ पर लाइट टोन यूज़ करना है, बस और कुछ भी नहीं है एडिटिंग में। और कलर का करेक्शन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिम लाइट वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर लेयर में आइए, यहाँ पर एक और एम्प्टी लेयर ले लीजिए और इसके बाद इसका ब्लेंड मोड जो है आप चेंज करके सॉफ्ट लाइट पर कर दीजिए। आपको सॉफ्ट लाइट पर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, कलर जो है थोड़ा सा वाइट कलर ले लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा येलो टोन होना चाहिए, मस्ट येलो टोन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कपड़ों के ऊपर हाईलाइट ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ कपड़े पर यहाँ हाईलाइट्स ऐड हो रही है, शेडो को छोड़कर, मेक श्योर आप शेडो को छोड़कर यहाँ पर जहाँ जहाँ कपड़े के ऊपर, फेस के ऊपर जहाँ जहाँ हाईलाइट्स हो रही है वहाँ पर सॉफ्ट रिम लाइट ऐड करें। देखिए एडिटिंग जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है जहाँ पर आपको बहुत सारा मेहनत करना होता है, तब जाकर आपका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी रियलिस्टिक और नेचुरल टोन के साथ आता है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर मेहनत करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज़ आपको अच्छा सा इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा अगर आप फोटोज़ में मेहनत नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा सा एक टोन यहाँ पर निखर कर आ गया है, राइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला देखिए फोटो, यहाँ पर पीछे से सनबर्न दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें भी एक सनबर्न वाला इफेक्ट लाना है, तो क्या करना होगा, आपको टूल में जाकर एक यहाँ पर आर्टिफिशियल सन ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये फोटो मिल गया, देखिए ये आर्टिफिशियल सन है, यहाँ पर ले लिया। इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, यहाँ पर ब्लेंड मोड में आ जाइए और ऑप्शन में जाकर यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन पे कर दीजिए। तो अब देख पा रहे हैं एक आर्टिफिशियल सन हो गया। अब यहाँ पर आपको एडिट में जाकर इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और कहाँ पर सेट करना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मेक श्योर कि आप ज़्यादा सर जो हेयर्स है उसको बर्न ना करें और ज़्यादातर मतलब ज़्यादा दूर भी ना रखें, तो थोड़ा पास में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सॉफ्ट लाइट ले लेना है और फेस वगैरह पर थोड़ा सा और करेक्शन की ज़रूरत है।
आइज़ वगैरह में ज़रूरत है, क्योंकि आइस पे ज़रा भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आइस के ऊपर भी पेंट कर लेंगे ताकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऐड हो, ताकि आँख भी दिखे। यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा साइज़ को बड़ा कर लें, और चिक बोन जो है साइड से दिख रहा है तो वहाँ पर भी अच्छे से पेंट कर लें। बेसिकली क्या होता है, हमारे दोनों चिक बोन्स के पास ही ज़्यादा लाइट आती है, क्योंकि वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होती है। नोज़ का जो शार्प एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा आता है, लिप्स के पास आता है, जो नीचे चिन होता है वहाँ पर आता है, एल्बोज़ और बॉडी के जो कॉर्नर है वहाँ पर आता है। तो अब देखिए यहाँ पर एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। लाइटरूम एप्लीकेशन में थोड़ा सा एडवांस लेवल देखने को आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन, इसको ओपन कीजिए लाइट में। लाइट में आपको शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और यहाँ पर वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसके बाद हाईलाइट्स को ज़रा सा बढ़ाना है। इसके बाद कलर में आ जाइए, कलर में आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और यहाँ पर आपको टिंट भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और सैचुरेशन थोड़ा कम करके यहाँ पर विब्रेंस बढ़ा लेना है। फाइन, अब कलर में आ जाइए, ऑरेंज कलर है, इसमें यहाँ पर आपको यू को कम कर लेना है। इसके बाद येलो में भी आपको यू को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, करीब 5%। अब कलर आपके फ़ोटो के हिसाब से ही होगी। ग्रीन कलर को थोड़ा सा येलो टोन की तरफ ले जाएंगे, और इसके बाद जहाँ मेजेंडा कलर है वहाँ पर उसको भी थोड़ा सा कम कर देना है, बाकी कोई कलर में छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्टिव में आ जाइए, नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेडियंट कीजिए। ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए ऑप्शन आएगा सबट्रैक्ट फ्रॉम मास्क वन। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, आपके पूरे मॉडल को सेलेक्ट कर लेगा। जब आपका पूरा मॉडल सेलेक्ट हो रहा है आप इसको इन्वर्ट पर क्लिक कीजिए। इन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद इसका एक्सपोजर डाउन कीजिए। जब आप इसका एक्सपोजर डाउन करेंगे तो क्या होगा, फोटो में सिर्फ आपके मॉडल पर इफेक्ट पड़ेगा और बाकी बैकग्राउंड वैसा ही रहेगा। अब इसके बाद इफेक्ट में आइए, इफेक्ट में आने के बाद इसका टेक्स्चर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्लैरिटी हल्का सा कम कर दीजिए, और यहाँ पर आपको विग्नेट थोड़ा सा कम कर लेना है, जहाँ पर आपको मिड टोन वगैरह बीच में कर लेना है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट में आइए, हाइलाइट्स में जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाइए, अमाउंट को गेन कर लीजिए। शार्पनेस में आइए, शार्पनेस हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि फेस में हमारा शार्पनेस ऐड होगा, राइट। अब इसके बाद मास्किंग थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रो लेवल। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए कर्व में। कर्व में आपको क्या करना है, 5 पॉइंट यूज़ करना है। नीचे में आपको हाइलाइट्स मिल जाएगा, सॉरी ऊपर में हाइलाइट्स और नीचे में शेडो, और बीच में मिड टोन देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स को ऊपर करना है, मिड टोन को नीचे रखना है, और शेडो को जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, और ब्लैक्स को ऊपर कर लेना है। फाइन, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए, जूम करके देख लेते हैं कि और कहीं ज़रूरत है क्या। बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन माइनर फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।